गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3 और तिथि है 12/7/2021। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर संख्याओं की जानकारी हमारा चल रहा है, इससे पहले भी हमने संख्याओं की जानकारी के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो प्रिय छात्रों, आपने हमने आसपास बहुत सी वस्तुएँ देखी होंगी, क्या ये सभी वस्तुएँ एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखेंगे। तो इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो यहाँ पर रोहन, मोहन और सोहन। तो सबसे ज़्यादा ऊँचाई जो है वो सोहन की है और सबसे कम ऊंचाई किसकी है? रोहन की। और बीच की किसकी है? मोहन की। बीच वाली जो हाइट है वो मोहन की मीडियम है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच की है। रोहन की सबसे छोटी, मोहन की मीडियम है और सोहन की सबसे ज़्यादा है। तो ये हमने इन बच्चों के बारे में, ये हाइट्स के बारे में अभी हमने यहाँ पर जाना है, ठीक है जी। तो आगे हम यहाँ पर और आगे पढ़ते हैं। क्रियाविधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। क्रियाविधि, आओ संख्याओं की तुलना करें। तो यहाँ क्रियाविधि के माध्यम से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रियाविधि क्या है हमारी? आइए संख्याओं की तुलना करें। तो प्रश्न 1, संख्या 2438 और 947 की तुलना करें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी? तो कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, हम आराम से बता सकते हैं। 2438 यानी कि 2438 में 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी। तो इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए 2438 बड़ी संख्या होगी, यानी कि देखो जिसमें ऑलरेडी अंक अधिक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, लेकिन अगर उसमें पहले जीरो लगा दी जाए, कितनी भी वैसे नंबर कम हैं, तो वो छोटी संख्या होगी, ठीक है, वो बाद में हम डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पर जैसे 67 और 76, आपको पता है 67 और 76, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो 76 बड़ी है, तो यहाँ पर ये निशान लगाया जाता है। जैसे ये मगरमच्छ का चेहरा जिस तरफ खुला हुआ है वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है जी, और जो उसके पीठ पीछे है वो यानी कि छोटी संख्या होगी। नॉट, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6798 और 7852, तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्याएं हैं दोनों की दोनों, तो इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में हज़ार के अंक की तुलना करते हैं। सबसे पहले कहाँ से तुलना शुरू करते हैं? अब यहाँ पर जब तुलना की बात आती है तो हम चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यानी कि सबसे पहले हम 6 और 7 में कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि पहली संख्या का 6 और इसका 7, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या ऑलरेडी बड़ी होगी इस संख्या के मुताबिक। तो यानी कि 7 बड़ा है 6 से, इसलिए ये जो संख्या है, ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। तो यदि हज़ार का अंक समान हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम जैसे 6978 और 6489 हो, तो यहाँ पर अगर हज़ार का अंक बराबर है तो फिर सैकड़े की बारी आती है, यानी कि अगर यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस बराबर हैं तो फिर हंड्रेड्स प्लेस की बात आएगी। तो हंड्रेड्स प्लेस पे देखेंगे 9 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, सैकड़े की संख्या की तुलना करेंगे तो फिर क्या आएगा? तो अभी हम आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थानों की तुलना, तो 9 और 4 में तुलना कर रहे हैं, तो 9 बड़ा है। यहाँ पर ये बड़े का निशान जिस तरफ ये ओपन रहेगा, यानी कि वो संख्या बड़ी है, जिस तरफ से क्लोज है वो संख्या छोटी रहेगी।
तो यहाँ पर अगर मगरमच्छ का मुँह इस तरफ है तो इस वाली साइड की जो संख्या बड़ी रहेगी, और इधर का है तो यानी कि इस तरफ की संख्या बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर 6 9 7 8 बड़ा है 6 4 8 9 से। तो बूझो तो जाने, अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें हल करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे तो हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर इन पर डिस्कशन करते हैं। तो ये सवालों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सर चलिए पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, संख्याओं की तुलना करना। तो रिक्त स्थानों पर उचित संख्या, यहाँ पर ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये पहला, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से छोटी होगी, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी, यहाँ पर दोनों बराबर होंगी, चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कौन सी बड़ी हुई, जिसमें अंक ज़्यादा हैं तो ये संख्या बड़ी होगी, तो ये निशान हम लगाएंगे। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 अंक हैं और यहाँ पर 3 अंक हैं, तो कौन सी बड़ी हुई, 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी। ठीक है जी, आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर हमारे लिए संख्या लिखी हुई है 685, 4875, 695, 4998, ये संख्या लिखी हुई है। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें यानी कि बढ़ता क्रम, कौन सा क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम को बढ़ता क्रम भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम। तो यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 85, इससे बड़ी यानी कि 3 अंकों की, पहले सबसे 2 अंकों की हो गई, फिर 3 अंकों की 685, फिर 685 के बाद में 695, इसके बाद में यहाँ पर 4875, फिर इसके बाद में 4998। तो ये संख्या हमने यहाँ पर लिख ली। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब इसको उल्टा लिख देंगे, यानी कि इस तरह से शुरुआत करेंगे 4998 से, यहाँ से शुरुआत करेंगे और वापस से लिखते रहेंगे 498, फिर इसके बाद में 4875, फिर इसके बाद में 695, फिर इसके बाद में 685 और लास्ट में यहाँ पर 85 यानी कि 385। तो ये हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे, ये घटता क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटता क्रम, तो ये अवरोही क्रम कहलाएगा। तो यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी